अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हमने यहाँ पर बनाया है नीम सूप और एक ऑयल सूप। चलते हैं सबसे पहले नीम सूप की तरफ। नीम सूप के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसमें सबसे पहले हमें ये नीम चाहिए। नीम आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। किसी को डार्क स्पॉट्स का इशू है, फेस पे एक्नी है, आपकी एक्नी को रिलीफ देता है, ये बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए। इसी के साथ हमने एक हल्दी, फ्रेश हल्दी का पीस लिया है, 1/2 इंच का। ठीक है, ये आजकल वैसी फ्रेश हल्दी आ रही है, आप आराम से ले सकते हैं, वरना ड्राई हल्दी भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक हमने ग्लिसरीन सोप लिया है, ये देखिए मैक्सिमम इतना आप यहाँ पर पेयर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर रोज़ वाटर लेंगे ये इसमें ऐड करने के लिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी हम इसमें लेमन जीस्ट ऐड करेंगे, ये देखिए आप ब्लेंडर से इसको पीसने से पहले लेमन जीस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें जस्ट इतनी इनफ है। ठीक है, अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा मिक्सर अच्छे से पिस जाए। ठीक है, ये हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, और ये बहुत फाइन पिसेगा नहीं, कुछ इस तरह का पिसेगा, ये थोड़ा दरदरा सा। ठीक है, अब किसी भी स्टेनर में आप डाल के इसको स्टेन कर लीजिए, आपको मैक्सिमम 2 टेबल स्पून आपको मिक्सर मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमने अपने सोप को कट कर लिया। अब आप इसको डबल बॉयलर पे रख के मेल्ट कर लें, या माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स में आपका ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका मिक्सर भी रेडी है। चलते हैं, हम इसको मेल्ट करते हैं। ये देखें हमारा ये मेल्ट हो गया है सोप। अब इसके अंदर हम जो अपना मिक्सर बनाया हमने, इसको ऐड कर देंगे, और इसको जल्दी ही आपने ड्राई नहीं होने देना है, वरना सोप बेस थोड़ा जो ना जमने लग जाती है। आपको जल्दी से इसको मोल्ड में शिफ्ट करना है। ठीक है, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी डिस्पोजेबल वगैरह, ग्लास, छोटा जार वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन सब में आपको पहले थोड़ा सा वैसलीन लगा के फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डीमोल्ड करने में थोड़ा वो लगता है। ये आपका नीम सोप रेडी है। चलते हैं हम ऑरेंज सोप बनाने की तरफ। ये देखिए ऑरेंज सूप बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब ये रही। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेना है सेम सोप बेस लेना है हमने, ये देखिए इतना हमने ले लिया है ये। इसी के साथ हमको चाहिए यहाँ पर लेमन जी ओ ऑरेंज जीस्ट, ये फ्रेश ऑरेंज जीस्ट है, हमने इसको कद्दूकस करके निकाल लिया है। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल है हमारे पास, और इसी के साथ हम लेने एक विटामिन ई कैप्सूल लेना है, और ये ऑरेंज पील पाउडर है आपके पास, ये मैंने घर में रेडी करा है, ये बहुत अच्छा होता है घर का, आप फ्रेश बनाए आपको पता होता है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपने 1 टेबल स्पून लेना है। अब सबसे पहले हम एक बाउल में 1 टेबल स्पून भर के ऑरेंज पील पाउडर डालेंगे, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये पाउडर बना था, ये देखिए ये हमने इसमें ऐड करा। इसी के साथ हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और हम लेमन जीस्ट ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर लेमन जीस्ट है, इनको मिक्स कर लें, और इसी के साथ हम इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर देंगे, और ये आपका मिक्सर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्सचर पहले से हम लोग इसलिए रेडी कर रहे हैं ताकि हम जैसे ही मेल्ट करें सोप, उसमें फ़ौरन ऐड करके इसको मोल्ड में डाल दें। ठीक है, ये देखें मैंने इसको डाइसेस में कट कर लिया है, अब आप इसको डबल बॉयलर पे करें या माइक्रोवेव में करें। ठीक है, ये आराम से आपका मेल्ट हो जाएगा, ये देखें हम मेल्ट करके लिया है। अब हम इसमें वो अपना मिक्सचर जो हमने बनाया था ऑरेंज का, वो ऐड करेंगे, ये देखिए, और अच्छे से जल्दी जल्दी इसको मिक्स करके विस्क करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से जल्दी जल्दी कर दीजिए और इसको मोल्ड में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा चंकी हो रहा है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखें ये हमारा डिजोल्व हो गया। अब हम इसमें जल्दी से इसको मोल्ड में डालते हैं, ये हमारा नीम सोप ऑलरेडी मोल्ड में है, और ये हमने इसको ऑरेंज सोप को भी डाल दिया। ये आपको बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यही सोप्स बना के इतने एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं कि आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, नीम सोप भी और ऑरेंज सोप भी। ये देखें इसको 2 2 आवर्स के लिए हमने रख दिया था, ये आराम से सॉलिड हो गया है, और ये इसको हमने डीमोल्ड करा है, देखें कितना ज़बरदस्त सा आपका ऑरेंज सोप
रेडी हो गया है, इससे स्किन एक्सफोलिएट भी होगी, इसमें थोड़े से चंक्स आ रहे हैं। ये देखिए हमारा नीम सोप है, ये ज़बरदस्त सा ये भी रेडी हो गया है, ये देखिए। और ये ही बड़े ब्रांड्स आपको इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, और ये आपको पता भी है बिल्कुल हर्बल है, आपने घर में बनाया है, अपने हाथ से चीज़ें डाली हैं, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। ऑरेंज सोप भी और नीम सोप भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ये दोनों सोप आपके पास रेडी हो गए हैं, ये ज़बरदस्त से दोनों सोप हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।